तो ये व्हाट्सअप का आता है, व्हाट्सअप बड़े होंगे, बढ़िया होने भी चाहिए, जैसे मेरे भाई को राम राम दिया जाए, जैसे जैसे भाई। तो आज भाई अपना मतलब गाड़ी का फ्लैशर लगाने आया हूँ मैं, ठीक है। तो अपना गाड़ी का फ्लैशर लगाने के लिए गाड़ी मेरा रखा है वहाँ पर, ठीक है। और भाई गाड़ी मेरा है अपना रेड, ठीक है, जो कि है N250 पल्सर का। तो अपन यहाँ पर फ्लैशर लगाने का सिस्टम देख रहे हैं भाई, इसको घर बैठे बैठे मैं लगा सकता था, पर इसको मैं घर में नहीं लगा रहा भाई, ये अपने मैं लाया हूँ नन भाई के शॉप पे, और भाई लकी के शॉप पे भी ले जाता था, पर मेरे को वहाँ लकी शॉप ले जाता था हल्का टाइम हो जाता था, और मेरे को बहुत जल्दी से मतलब कि इस फ्लैशर लगा था, इसके नाम से अपने नन भाई के नंद भाई की शॉप में लगाने आया हूँ। तो यहाँ पास कुछ लोकेशन पड़े गए, धनेली मतलब धनेली पड़ता है, और इस साइड से बिलासपुर जाते, ठीक है। तो अपना ये खड़ी है ब्लैक बीच 250, तो यहाँ पर देख रहे भाई इसका पीछे का मैं मजगात निकाले हूँ, इसका साइलेंसर का भाई क्या ही प्रॉपर एक नंबर आवाज़ आता है। तो ये रहा अंदर भैया बैठे, देख रहे जूम कर, ये रहे पहले, ये राज मतलब वर्मा शॉप में काम करते थे ऑटो पास में, तो इसका देखते भाई। और मैं इसको भाई अपना फ्लैशर लगाएंगे, जो कि मैं इसको फ्लिपकार्ट से मंगाया था कुछ 230 के आसपास, उसको मंगाया था मॉक्सी का है। देखो ये प्रॉपर आवाज़ है, अच्छा आवाज़ है भाई, मैं खोल के दिखाता हूँ, इधर कुछ काम धाम नहीं है भाई, ये देख रहे हो ये कुछ अच्छे से पैकेजिंग में आए, ये देख रहे हो मॉक्सी कुछ लिखा है इस टाइप का, ऐसा ऐसा कुछ 12V DC 20V X4 क्या क्या इनपुट आउटपुट क्या क्या दिया कुछ नहीं पता। तो अपन भाई इसका पीछे में लगाएंगे सोच रहे थे, पर पीछे में अपन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके लिए स्विच के लिए अपने को पता है वायर वहाँ पर देना पड़ेगा, पर वो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्या पर सामने का हेडलाइट को ओपन करेंगे, मतलब इतने के पोर्शन को ओपन करेंगे, उसके बाद अपन इसको लगाएंगे, उसके बाद देखते भाई व्यू कैसा होना है, उसके बाद हम लोग गाड़ी को वॉश भी कराएंगे भाई। तो जुड़े रहो भाई हमारे साथ, कैसा क्या लगाते हैं फ्लैशर को, ठीक है। तो अभी इसको लगाते हैं, उसके बाद देखते भाई पहले उसको खोलने का सेटअप दिखाता हूँ, फिर मस्त प्रॉपर अच्छे से व्यू दिखाते हैं। बाकी अंदर भाई लोग बैठे हैं और देख रहा हूँ, बाकी हमारे दोस्त लोग आधे लोग आए हैं आधे लोग नहीं आए, तो लोग कोई चक्कर नहीं। और भाई साहब मेरा सिल्वर प्ले बटन आने वाले हैं, और भाई लगाने का सिस्टम देखते हो मिलते भाई अपन आगे, ठीक है, इसको खोलते हैं, उसके आगे का देखते हैं। तो भाई यहाँ सब अपने आ गए नंद भाई, ठीक है, जो कि यहाँ पर अपना एलएनकी से निकाल रहे अपने बोल को, ये दोनों बोल्ट ओपन होगा, ठीक है। उसके दोनों बोल्ट ओपन करने के बाद अंदर में कुछ 10 नंबर का चिप आना है, उससे भी अपने को ओपन करना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसे ही देखो यार नॉर्मली, ठीक है, कुछ बकचोदी होने वाला नहीं इसमें, क्योंकि मेरा भाई ब्लॉग देखेगा तो मैं गाली वाली दे नहीं पाऊंगा भाई, इसी कारण से इस ब्लॉग में मैं गाली नहीं दूंगा। तो कृपया आप लोग मतलब कि बिना ईयरफोन का यूज़ करके देख सकते हो, क्या है पहले वीडियो में मैं गाली ग्लॉस देता था उसमें अलग बात आता था, पर ये वाला ब्लॉग ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा भाई मतलब बड़ा भाई मेरा देखेगा, इसका मैं गाली ग्लॉस नहीं दे रहा भाई, तो ठीक है। तो वो बात अलग रहेगा, तुम लोग को रखते हैं साइज। देखो अपन पहले दो बोल्ट को निकाले, उसका हल्का था उसको कपलर को बस ऊपर निकालने के बाद निकल ये दो बोल निकालने के बाद अपने को भाई ये 10 नंबर की पाना से दोनों बोल को खोलना है। तो भाई ये यहाँ पास हल्का सा ये नीचे में यहाँ पास क्लिप दिया रहता है, तो उसको अपने को हल्का सा क्लिप को उठा के लगाना पड़ता है, या तो उसको भाई ये देखो ये प्रोसेसिंग ये निकल गया, ठीक है। अपन इसका अब मेन वायर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, पर मेन वायर निकालने की दिक्कत है कि नहीं बताओ, नहीं लगेगा तो भाई अपन उसका कोई मेन वायर का कोई चांस हम नहीं करते, बस अपन दो इंडिकेटर वायर के बस निकाल लेते हैं। तो इसको देखो मेन दो इंडिकेटर वायर किधर किधर घुसा हुआ भाई, ये किधर किधर है यार, अच्छा इसको भी निकालना पड़ेगा, इसको भी निकाल दूंगा, फिर ऐसा झुक जाएगा ये, है ना। तो भाई अपन एक और 10 नंबर के बोल्ट से इसको वापस निकालेंगे, ताकि पूरा मुंडी है ना जो बाहर आ जाएगा। बोल्ट निकालने के बाद ऐसा कुछ सीन हो गया। अब इसके बाद देख रहो यहाँ पास फ्लैशर का ये है ना, ये है शायद देखो हाँ, ये एक फ्लैशर का मतलब इंडिकेटर एक बार ये मिल गया, और एक इसने का निकाल दिया। और बाकी भाई इसको खोलो, तो भाई ये भाई है साहब यहाँ जो कि काम करते हैं, क्या नाम है भाई तुम्हारा, देवघित लहरी है, देवघित लहरी भाई, देख रहे हो लहरी जी यहाँ पास काम कर रहे हैं, और निशाद जी अभी यहाँ पास काम कर रहे हैं, ठीक है, ये है ना। तो हल्का सा भाई इसको पुश बस करने पर ये वायर निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ देख लो, इस टाइप कलेक्शन है, जिसमें भाई डबल डबल कलर दिखा है ना वो पॉजिटिव का, जिसमें सिंगल कलर है ना वो नेगेटिव का है, इसमें भी वैसे होगा। तो अब इसमें भाई अपन स्विच लगाएंगे यहाँ पास, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो स्विच रखे हो ना अभी आप, हाँ। और इसको ऐसे देना है कि चाहे इग्निशन पे देना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पास वो बियर आने जा रहे हैं स्विच भाई साहब, यहाँ पास अपने निशाद क्या ना नन भाई ने ला लिया अपना स्विच, ठीक है। इसको स्विच को देखते हैं कौन सा स्विच है, ये मतलब कि अच्छे ही क्वालिटी का स्विच होगा शायद है, क्योंकि रखते हैं हम दमदार स्विच रखते हैं ये। तो देख लो ये ऑन ऑफ का कुछ इस टाइप, अच्छा इसमें 3 स्विच दिए क्या, अच्छा हाँ ठीक। अच्छा ये तो भाई मैं अपने पुराने गाड़ी पे लगा चुका हूँ वाला स्विच है, देख रहे भाई ये अपना स्विच है जो कि हैंडल पे लगेगा कुछ इस टाइप में डिज़ाइन में, और वो भी क्या है, अच्छा वो नया पैकेज है, चल रहा है ना ये, हाँ मेरे को लगा भाई हल्का सा रैपर फटा हुआ था तो मेरे को लगा ख़राब होगा, पर कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ लगेगा भाई ऐसे, उसके बाद वो लगेगा। तो अपन भाई लगा रहे हैं नया वाला, इसको रखते हैं साइड में और दोनों को स्विच करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं भाई लगाने का प्रोसेसिंग, उसके बाद मिलते हैं मतलब आगे। यहाँ पर भाई हम लोग का लग गया स्विच, ठीक है, ऑन ऑफ वाला। अब इसका वायरिंग का डायग्राम देखते हैं भाई हम लोग इसका स्विच लगाने का, बहुत इजी वायर पे है भाई। देखो जैसे कि दो इसमें जो ग्रे येलो कलर का है ना, ये दोनों जाएगा इंडिकेटर के
फ्लैश मतलब एनटी के जगह वहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव पे जाएगा, तो ये ब्लैक वाला नेगेटिव में जाएगा भाई, जो कि अपन कहीं भी अपन बोल के अटैच कर सकते हैं। और रेड वाला है जो अपना इग्निशन में जाएगा, जहाँ चाबी ऑन करने पर जो अर्थ फेस करता है वहाँ पर जाएगा। तो अभी इसका वायरिंग बस लगाते हैं, उसके बाद भाई हमारा हो गया फ्लैशर रेडी, तो देखते रहो आगे। तो भाई साहब यहाँ पर अपना लग रहा है एक जो ग्रीन कलर का है वो लगेगा अपना, पॉजिटिव भी लगेगा ना भैया, दोनों पॉजिटिव पे। तो भाई एक साइड का लेफ्ट इंडिकेटर साइड है, जो कि येलो कलर का जो अपना फ्लैशर से आता है वो अपना इंडिकेटर में जाएगा पॉजिटिव में, और दूसरे साइड का येलो कलर का भी जाएगा अपने राइट साइड के पॉजिटिव पे जाएगा। तो देख लो भाई वायर कौन कौन सा लग रहे थे, ध्यान से देख लो, इसमें कुछ इधर उधर लगाओगे ना भाई तो वायर का शॉर्टेज होगा, फिर प्लस उसके बाद अपना बैटरी में दिक्कत करेगा, तो बैटरी डाउन हो जाएगा उसके अंदर। तो भाई किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे से करा लो, फिलहाल ये तो मैं घर में भी कर सकता था, बट मेरे को ब्लॉग बनाना था भाई, उसके नाम से मैं अपने आनंद भाई के शॉप में आया हूँ। ये अपना दोनों इंडिकेटर का येलो वाला पोजिशन लग गया, अब उसके बाद अपना लगेगा स्विच का वायर, ठीक है। स्विच का लगाने के लिए देख लो इसमें ग्रीन कौन सा है भैया, ग्रीन कौन सा पॉजिटिव है कि कोई से भी है ना ये, हाँ तो अपन भाई कोई सा भी वायर को किसी भी दे सकते हैं इसमें, मतलब स्विच वाले ऑप्शन वाले में। तो भाई साहब यहाँ पर हम लोग का वायरिंग डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अपना बचा स्विच का, बस बचा क्या वायर, तो अपना बस बचा ये स्विच वाले का वायर, अब इसको अपन लगाएंगे इग्निशन की पे, ठीक है। मैं अपने पुराने ब्लैक बुल पे लगाया हूँ भाई, डायरेक्ट लगाया बिना स्विच का, तो जब चाबी ऑन करता तब जलते रहते वो, ठीक है। तो उसमें कोई चक्का नहीं, बस ये कि अभी इसमें जलते ही रहेगा मेरे अलार्म में, इसमें अपन कभी भी बंद चालू कर सकते, ठीक है। तो एक वायरिंग का कुछ लगाने से क्या देखते हैं भाई क्या सीन चलते हैं इनका। अपना ये स्विच के बारे में वायर अगर अपने इग्निशन पे, ठीक है, जब चाबी ऑन करेंगे तब जलेगा ऐसा इस टाइप का। थोड़ा सा हम टेस्टिंग करते हैं जलता है कि नहीं जलता है गाड़ी, तो एक बार चालू करके देखें, ऑफ है या अपन स्विच ऑन किए, जल रहे भाई दिख रहे भाई जल रहे दिख रहे जल रहे जल रहे नंबर मत देखो भाई, और फ्लैश और ऑन बंद करो तो, हाँ और करो और करो भाई, देख रहे नाइक में एक नंबर लगेगा, और करो और तो भाई से बहुत सारा भाई बहुत टाइप के इसमें फ्लैशर मिले, तो अपना ये हमारा जो फ्लैशर का लगाने का सीन था वो हो गया कंप्लीट। तो अब इसके पास बॉक्स करते हो तो गाड़ी को वॉश कराएंगे भाई अपन, तो भैया जैसे था वैसे पहले वापस लगा दो, फिर अपन चलते भाई थोड़ा सा राइड में कहीं नहीं जाएंगे भाई, इसका हल्का सा मैं एस्थेटिक वीडियो बनाऊंगा, जिसको मैं एस्थेटिक वीडियो बनाऊंगा उसको मैं इसे वीडियो भी डालूंगा हल्का सा, क्योंकि भाई टाइम मतलब कि बहुत जल्दी ये व्लॉग खत्म हो जाएगा, 5 मिनट का ऐसा कुछ बिन जाएगा, उससे अच्छा मैं सोचा इसमें एस्थेटिक वाला कुछ गाना डाल दूंगा, तो हल्का सा 8 मिनट के बाद हो जाएगा, क्योंकि मेरा यूट्यूब तो मोनेटाइज है, तो उसके कारण से भाई समझ लो 8 मिनट का वीडियो होना चाहिए जरूरी है। तो अपन ये वापस लगा रहे भाई, इसको लगाने का सिस्टम देख लो, उसके बाद अपन चलते हैं भाई, ठीक है। प्लस भाई मैं भी क्या बताऊँ इस काम लगा रखा हूँ कि बहुत ही खुश है भाई, और मैं बहुत ही एकदम खुश हूँ भाई आज, समझ रहा हूँ मैं आपको भाई, अभी आगे उस साइड जाके मेरा दुख दर्द कहानी पीड़ा बताऊँगा भाई, मतलब हैप्पीनेस जो भी रहेगा उसके मैं बताऊँगा भाई, अभी यहाँ से बस इसको लगाने दूंगा, चलते भाई आगे।